अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमीर व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज जुमे का दिन है और आज 15वां रोज़ा है रमज़ान का। तो आज छुट्टी थी, आज घर पर ही हूँ, 2 दिन और छुट्टी है। और बताएं आप सब कैसे हैं? देखते हैं आज खाने में क्या बन रहा है। आज रोज़ा इफ्तारी की तैयारी चल रही है। आ गए हैं किचन में, ये देखिए रोटी बन रही है बहुत ही बारीक, और उधर कढ़ाई चढ़ी हुई है, ये देखिए उधर भी ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं शायद, आई थिंक लग रहा है, ये देखिए मज़ा आने वाला है आज। तो दोस्तों कल भी बहुत अच्छी अच्छी आइटम बनी थी। रमज़ान में ये तो फ़ायदा है कि खाने के लिए अच्छी अच्छी डिशें बनती हैं। मैंने पहना है कुर्ता पजामा जुमे के दिन, ये देखिए वाइट कलर का है पूरा पूरा मैंने पहना है। कैसा लगा है आपको? ये ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और इधर ये बेसन पैटिंग हो रही है बेसन की, ये देखिए वाह वाह बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। देखिए मिरर में कितना अच्छा लगता है, पूरा वाइट सूट है मेरा, कुर्ता पजामा है। पर थे तो थोड़ा घर की भी सफाई की है और काफ़ी स्पेस हो चुका है, डायरेक्शन थोड़ी चेंज की है रूम की और ड्राइंग रूम की, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है काफ़ी। और जो कचरा निकला था वो कचरे वाले को दिया और इससे थोड़ा अच्छा हुआ। तो ऐसे ही टाइम आज का निकल चुका है, अभी होने वाला है इफ्तारी का टाइम। आप सब बताएं कैसे हैं, और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल की वीडियो को सभी को लाइक करें एंड शेयर करें। आया हूं अपने छत पर और देखते हैं यहां पर मौसम कितना अच्छा हो रहा है। देखिए धूप निकली हुई है और थोड़ा पौधे देख लेते हैं, गमले वगैरह जो मम्मी ने लगाए हुए हैं उनके क्या हालात हैं। देखिए एक दो पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में, अभी तो इसमें पानी है। और ये है देखिए कैसे फूल खिल रहे हैं, ये गुलाब का लगाया है जो कि अभी सूख चुका है, अभी इसमें देखते हैं पानी डाला है आ जाएगा पेड़। इधर एक ये है एलोवेरा, ये एलोवेरा लगाया हुआ है और ये लगे हैं देखिए काफ़ी पेड़ हैं। और ये छत पर हम दाना डाल देते हैं और पानी भी रखते हैं। और आप सभी भी, अभी गर्मी आने वाली है तो छत पर पानी रखें ज़रूर पक्षियों के लिए, और पक्षी बहुत दूर से उड़ते हैं पानी नहीं मिल पाता तो वो आकर पानी पी लेते हैं। ये देखिए सभी गमले लगे हुए हैं बहुत अच्छा। और ये देखिए आप सामने का व्यू, और सामने देखिए आप पूरा आप नीचे देखें कबूतर उड़ रहे हैं, कैसे चहलकदमी कर रहे हैं कबूतर। ये पड़ोसी हैं हमारे, कबूतर पालने का बहुत शौक है इनको। और ये देखिए कैसे कबूतर खिलखिला रहे हैं। ये देखिए आसमान में उड़ रहे हैं कबूतर। अभी मैं आया हूँ कब्रिस्तान में, आज जुमे का दिन है, वैसे तो मैं डेली आता हूँ, आज सुबह सफाई करने की वजह से मैं थोड़ा नहीं आ पाया था, तो मैं अब शाम के टाइम आया हूँ। मेरी बेटी का इंतकाल हो चुका था, उसको थोड़ा दुरूद देने के लिए आता हूँ। आप सब दुआ करें जल्दी से जल्द हमारे घर में खुशियाँ आएँ। मेरी प्यारी बेटी, बहुत प्यारी बेटी थी, अल्लाह ने जो अच्छा समझा उसको अपने पास बुला लिया। बहुत याद आती है उसकी, रोना भी आता है, लेकिन क्या करूं, ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे हम कुछ भी नहीं। आप सब दुआएं करें, मैं भी दुआ करता हूं। एक ही अमरूद का पेड़ लगाया था यहां पर कब्रिस्तान में ही, और देखिए ये कितना अच्छा हो रहा है। अब मैं इसमें पानी डाल देता हूं थोड़ा, जिससे कि ये थोड़ा भी अच्छा हो जाए, और क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है और गर्मी में तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत प्यारा हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका था पहले भी,
लेकिन यहाँ पर बकरियाँ आ गई थी तो उन्होंने खा लिया था इसको, तो इसलिए अभी ये और अच्छा हो रहा है। देखिए कितना प्यारा हो रहा है। अभी फिर खाना खाते हैं और आप भी खाइए। आज का व्लॉग मेरा यहीं पूरा होता है, ठीक है। आप दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।